कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अप्रैल और मई महीने में लगाए गए लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 12 फीसदी तक सिकुड़ सकती है। पिछले साल इसी अवधि में बिना प्लानिंग के किए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था करीब 24 फीसदी तक सिकुड़ गई थी। ये जानकारी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट में सामने आई है। वित्त वर्ष 2021 में सालाना स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी तक सिकुड़ गई। अर्थव्यवस्था का ये हाल पिछले साल बिना प्लानिंग के महज 4 घंटे में किए गए लॉकडाउन के फैसले का नतीजा है। साल 2020 में संक्रमण को काबू करने के लिए 2.5 महीने तक के लिए देश पर लॉकडाउन थोप दिया गया था, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 23.9 फीसदी तक सिकुड़ गई थी। हालांकि दूसरी तिमाही में सुधार के साथ ये -17.5 फीसदी रहा था। इसके बाद अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड रिकवरी देखी गई और 40 BPS की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। बाद में चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 1.6% की गिरावट देखी गई और पूरे साल में ये 7.3% तक सिकुड़ गई। अब जैसा कि पिछले साल देखा गया था, इस बार सिकुड़ने से अर्थव्यवस्था में तेज वी शेप्ड रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में इसकी वजह यह बताई गई है कि कंज्यूमर की भावनाएं बहुत कमजोर हुई हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार संक्रमण ने लोगों को ज्यादा चिंता में डाल दिया है। UBS इंडिया एक्टिविटी इंडिकेटर के इन हाउस डेटा का हवाला देते हुए स्विस ब्रोकरेज की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन का कहना है कि इंडिकेटर्स बताते हैं कि जून 2021 की तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में औसतन 12% की गिरावट आई है, जबकि जून 2020 में ये 23.9% थी। बताया गया है कि मई के आखिरी हफ्ते में कई राज्यों ने स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधों में ढिलाई भी दी, जिसके बाद वीक ऑन वीक स्तर पर 3% की वृद्धि देखी गई। यानी यह इंडिकेटर साप्ताहिक स्तर पर 88.7 पर रिबाउंड के बावजूद है। बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में जून महीने से क्रमिक तेजी आ सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ दूसरी छमाही से ही रिकवरी कर सकती है। कहा गया है कि 2020 में वी शेप्ड की रिकवरी के उलट हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अर्थव्यवस्था में सिर्फ धीरे धीरे ही सुधार होगा, क्योंकि महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं पर कंज्यूमर भावनाएं कमजोर बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर में लॉकडाउन 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक चला, जबकि पहली लहर में 2.5 महीने तक लॉकडाउन रहा था, और इस बार सीमित पैमाने पर औद्योगिक निर्माण गतिविधियों की अनुमति भी दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून से आर्थिक गतिविधियों में केवल क्रमिक पिकअप की उम्मीद है, ना कि 2020 में वी आकार की रिकवरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।